भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। भाइयों कल रक्षाबंधन था, जैसा आपको मालूम है, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मनाया गया बड़ा धूमधाम से। अब तो ये हमारे यहाँ का जो त्यौहार है, मतलब विदेशों में भी मनाने लगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं भारतीय भी विदेशों में ही हैं, उन्हें देख देख के वहाँ भी मनाने लगे। बड़ी अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए। तो भाइयों कल मैंने जो है व्लॉग नहीं बनाया रक्षाबंधन के ऊपर। क्यों नहीं बनाया उसका एक कारण जानिए आप। मैं व्लॉग बना देता भाइयों, आप कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको भी मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो। लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि ये जो राखी है, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में बंधी हुई है, ये भाइयों एक धागा नहीं है, यो भाइयों एक बहुत बड़ी बहन की आस्था है अपने भाई के प्रति, उसका स्नेह है, और वो अपने भाई से जो है एक प्रोटेक्शन चाहती है। एक उसे अपना एक मतलब भाई ऐसा दिखाई देता है कि भाई तेरे पीछे भी तेरा कोई है। तो मैंने इसी सोच के हिसाब से इसलिए नहीं बनाया था कि कुछ भाई जो हैं ज़्यादातर सब लगे पड़े थे इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, और मैंने जो देखा भाइयों यूट्यूब पे भी व्लॉग बना रहे थे, पूरे परिवार के बना रहे थे। तो यही एक कारण था कि मैंने नहीं बनाया। मगर भाई हम इस बात को, आज तो मेरी बात को कोई भाई नहीं मानने का, इस बात को मैं अपनी बात को एक दो दिन बाद में रखूँगा। तो भाइयों जैसे हमने अपनी बहन की रक्षाबंधन मनाया, जो हम पे मना हमने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया, यो कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। बहन कोई मांगती नहीं है तो हंसी मजाक हो जाए, इतने होगी उतने होंगे, वो तो जो अपनी श्रद्धा है। कोई बहन जो आती है हमारी, जैसे बुआ भी आई, उन्होंने राखी बांधी, हमारे बांधी, पापा के बांधी, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि ये मतलब पैसा लेने के लिए। हमें बहुत भाई जो हो उनकी सोच जो हो इस तरह की होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब ये तो लड़कियां तो लेने के लिए आ रही, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। वो अपने भाई से उन्हें प्यार होता है, मोह होता है, इसलिए वो आती हैं इतने दूर से अपना काम छोड़ के। अब मान के चलो हमारी जो एक बहन है गाजियाबाद है, वो वहाँ से आई, अपना कीमती समय छोड़ के आई, क्या वो 500 रुपये लेने के ऊपर आई? सोचने वाली बात है। जिनके हस्बैंड 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो हमारे 500 रुपये के, 1000 रुपये के, 5000 रुपये के भुक्की हैं? ऐसा नहीं भाइयों, वो अपने घर से नाता रखे हैं। यो एक राखी का जो धागा है भाइयों, यो बहुत बड़ा एक, मैं क्या बताऊँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, इसकी बहुत वैल्यू है। जो भाई मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अभी देखा, मैं गांव से निकला, रास्ते में राखी पड़ी थी, ज़्यादा बंदगी होंगी, किसी ने खोल के फेंक दी, ये तो हाथ पे बोझ हो रही, या कुछ बिल्कुल नई नई राखी है। लेकिन उन्हें मूर्खों को ये नहीं पता, मतलब उनकी बहन की आस्था कितनी, वह जब लेंगी 10 तरह की राखी, पलट पलट के देखेंगी, उनके मेरे भाई के हाथ में ये राखी अच्छी लगेगी। तो भाइयों मैं तो यही कह रहा हूँ, इसे अपने आप ना खोल लें, इसे जब तक ये अपने आप खुलती चली जाएंगे, अगर खोलनी भी है, ज़्यादा भी वजन हो रहा है, तो जैसा अपनी गाड़ी है उस पर बांध दो कहीं भी, अपना ट्रैक्टर है उस पर बांध दो कहीं भी, घर में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आप उसे चौखट है जिसमें मतलब आपको वो दिखती रहे और वो ख़राब भी ना हो, ऐसी जगह लगा दो, तो आपको याद रहेगी कि मेरी बहन ने मेरी राखी वहाँ बांधी थी। और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें, कुछ भाई जो हैं भाई बहन जरा जरा सी बातों पे ही, छोटी मोटी बातों पे बुरा मान जा, आने जाने बंद कर दें, तो भाई ऐसा ना करें। रिश्ते अपनी जगह रखो, लड़ाई झगड़े अपनी जगह रखो, लड़ो, गुस्से में गुस्सा आवे कि कोई बात गलत है, अपनी बात भी रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कुछ ना करो, मतलब उस बात को भी रखो, लेकिन भाइयों बहन का जो हक है उसे रखो। बहन का पूरा, बहन भाई से इजाज़त नहीं मांगती, भैया मेरा ये काम करोगे क्या करोगे, बहन को इतना हक होता है कि भाई तू उठ खड़ा हो और वो काम करके जा, मेरा ये काम ऐसे भी बिगड़ रहा। और ऐसे ही भाई को होना चाहिए, अपनी बहन को कहवे ना यो काम हो जाएगा या ना हो जाएगा, उसे कह दो लल्ली यो काम ऐसे ऐसे होना है। तो आपसी संबंध इतने मजबूत होने चाहिए, और ये जो हमारा राखी है यो उस रिश्ते को और मजबूत कर दे। तो यो समय समय पे जो हर साल में आओगा, एक दिन अपना समय निकाल के इस दिन का जरूर रखें कि मतलब बहन आपके टिक्का लगावे, मिठाई खिलावे और राखी बांधे। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी भाइयों, लाइक करें, शेयर करें,
और भाइयों जिस दिन मान लो राखी का दिन है, चाहे किसी का कितना इम्पोर्टेंट काम है, उसे डिले कर दें, एक घंटा डिले कर दें, दो कर दें, उनका भाई मेरी बहन आ रही है, मैं पहले रक्षाबंधन करवाऊँगा तब मैं वहाँ पर जाऊँगा। और जैसा भी आपको लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और भाइयों मेरे चैनल को जो है भाइयों सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।